विराट कोहली, पुजारा और शुमन गिल, ये सेंचुरियों पे सेंचुरियां करेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन 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 दिस इन दिस पर्टिकुलर स्टेडियम, और आई गेस अगर विराट कोहली के फॉर्म है और जो बाकी के फॉर्म है, आई गेस इंडिया इज गोना रॉक। विराट कोहली इज अ ब्रांड, अगर वो एक अच्छी इनिंग्स खेल जाता है तो डेफिनेटली थिंग्स विल गो फॉर इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है कौन सी टीम जीती नजर आ रही है? यार दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं, फाइनल में रीच की है, टफ टाइम मिलेगा, कंडीशन ग्राउंड कंडीशन सारी ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रही है, लेकिन बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो इंडिया की बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप। इंडिया, आई विल गो विद इंडिया। इंग्लैंड की पिचेस पे तो इंडिया, इंग्लैंड के ग्राउंड के लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया ही मुझे जीतती नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया सिर्फ अपनी पिचेस पर ही खेल सकता है। आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियसली इंडिया। क्यों? देखिए इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिंकी रहाणे इज इन अ वेरी बेटर फॉर्म, शुभमन गिल भी बड़ा अच्छा खेल रहा है, विराट कोहली का तो आपको पता ही है, तो उनके लोअर मिडल लोअर ऑर्डर जोन्स है ना, वो एक टीम को स्टेबल करने में काफ़ी मदद करता है, अगर उनकी अपर दी ऑर्डर जोन से बैटिंग वो खराब कोलैप्स कर दे तो मुझे लगता है इंडिया के पास एक बहुत बेहतर चांस है। आई गेस दे हैव अ बेटर टीम, अ बेटर बैटिंग साइड, अ बेटर बॉलिंग साइड, अभी आईपीएल में जिस तरह इनका एक क्लियर एक्सपीरियंस से खेल के आए हुए हैं, आई गेस दे हैव अ बेटर चांस टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंग्लैंड। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में होता फिर मैं ऑस्ट्रेलिया को ही बोलता, बट आई गेस इंग्लैंड में इंडिया है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखी जाए तो मिचेल मार्श, पैट कमिंस, नेथन लाइन, हेजलवुड, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप, वो बॉलिंग लाइनअप वहाँ पर भी है, प्लस उनकी बैटिंग लाइनअप में कर लें इस टाइम पे उस्मान ख्वाजा, स्मिथ, लबिशाने, एक प्रॉपर कम्बिनेशन उधर भी है तो, लेकिन जो मेरे ख्याल कंडीशन एंड क्राउड है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देख रहे हैं कि विराट कोहली इज़ अ ब्रांड, अगर वो एक अच्छी इनिंग्स खेल जाता है तो डेफिनेटली थिंग्स विल गो फॉर इंडिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग तो आपको पता ही है, फिर इंडिया कहाँ उनकी लाइन चल सकती है इतनी लंबी। हाँ ये तो ग्रीन पिच की बात नहीं है, ऑन द डे कौन अच्छा परफॉर्म करेगा ये बात, और हर एक को पता है कि इंडिया के बैट्समैन जो उनसे फास्ट बॉलर बहुत अच्छा कम्पीट कर जाते हैं, वो ज़्यादा बात पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर पाए थे, वो उनकी बैड लक भी कह सकते हैं, बट स्टिल इंडिया इज़ फेवरेट, इंडिया के जो बैट्समैन हैं नो क्लास। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि इंडिया अपने ग्राउंड से बाहर फाइनल खेला और हार गया, तो इसी तरह ही चलता आ रहा है, इंडिया अपनी ग्राउंड में जीत रहा है टेस्ट मैचेस और वहीं से वो फाइनल तक पहुंच जाता है, और जब फाइनल उनके ग्राउंड से बाहर होता है तो हार जाता है। लेकिन देखे ना इंग्लैंड के अंदर इनको एक जैसे सुफियान भाई ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो उनको अप्रेज नहीं मिलेगा होम ग्राउंड में, लेकिन इंडिया के अंदर सॉरी इंग्लैंड के अंदर उनकी इतनी ऑडियंस है कि वो फाइनल में उनको सपोर्ट करने जाते हैं वहाँ पे। शुभमन गिल बहुत फॉर्म में है, मैं इनको कोट करूंगा, शुभमन गिल और जंकर रहाणे ने अपने जो उनकी रणजी ट्रॉफी होती है उसमें बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस किया, आईपीएल में बहुत अच्छा खेलता रहा, तो डेंजरस हो नहीं सकता लाइक अगर वो टिक जाए तो? डेंजरस तो जाहिर है विराट कोहली भी हो सकता है, अगर वो खड़ा रहा तो नो डाउट इंडिया बहुत पावरफुल बैटिंग लाइन। हम हमेशा अपनी डिस्कशन के रोहित शर्मा को भूल जाते हैं, रोहित शर्मा के बारे में क्या ख्याल? रोहित शर्मा तो आजकल फारिग हुआ है T20 टेस्ट बोर्ड यही सबसे। यार रोहित शर्मा मुझे पहले दिन से नहीं पसंद, मैं मतलब काफी इंटरव्यूज देखे हैं उसके, वो बड़ा यानी कि डाउन टू अर्थ बंदा, हाँ ठीक है डाउन टू अर्थ वो अपनी जात के लिए कौन सा हमारे लिए, लेकिन मैं उसे बेहतर विराट कोहली को समझता हूँ। पिच की सूरत हाल देखी थी, पिच बहुत फास्ट बॉलर को फायदा देने वाली है, इवन इंडिया के पास शामी नो डाउट इन फॉर्म है, मोहम्मद सिराज है, इसके अलावा उनके पास कोई खास पेसर नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की अगर देखें तो उनके पास बहुत बहुत पेसर है, मिचेल स्टार्क है उनके पास, हेजलवुड है उनके पास, पैट कमिंस है, बहुत सारे फास्ट बॉलर हैं जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। आई गेस ये ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलिंग साइड वर्सेज इंडियन बैटिंग साइड के मुकाबले होने वाला है। आई गेस आपने अगर ये बॉलिंग की बात की, इसी पिच पे आपके स्मिथ का 97 एवरेज चल रहा है उसके पूरे उसमें, इंडिया का किसी प्लेयर का इतना नहीं है, बट अगर आप ये देख लें इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन 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 दिस पर्टिकुलर स्टेडियम, और आई गेस अगर विराट कोहली का फॉर्म है और जो बाकी के फॉर्म है, आई गेस इंडिया इज गोना रॉक। शुभमन गिल बहुत खबरों में आ रहा है, उसके अलावा अजिंक्य रहाणे वो भी बहुत ज़्यादा इन फॉर्म है, क्या आपको लगता है कि विराट कोहली अगर जल्दी आउट हो भी गए तो वो हैंडल कर लेंगे? इंडिया के जो बैटिंग साइड है वो भी विराट के ऊपर डिपेंडिंग करती है, और रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो एक क्वेश्चन मार्क होगा इंडिया के लिए, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे और टॉप के जो टॉप ऑर्डर्स है टॉप फोर है इनके पास जो टॉप फोर है वो इंडिया इनके जो टॉप फोर बॉलर्स हैं इनसे मुकाबला होगा। विराट कोहली का इतना ऊपर प्रेशर नहीं है जितना बाकी ओपनर्स के फॉर्म है, जिस तरह अभी रहाणे वापस आ गया है, अगर देखा है वेरी बेटर टीम और हमें एक बहुत क्लोज मैच देखने को मिल सकता है। फेवरेट कौन सी? इंडिया विराट कोहली की वजह से। क्या आपको लगता है कि अभी जो शुभमन गिल इंडियन बड़े अपकमिंग स्टार आ रहे हैं, चार सेंचुरीज उन्होंने अभी साल स्टार्ट ही हुआ है, चार सेंचुरीज कंप्लीट भी कर लिए उन्होंने, वो क्या ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे चल पाएंगे, अपना जलवा दिखा गए वहाँ पे जाके? बेसिकली इट्स अ बिग मैच
फाइनल है, फाइनल का प्रेशर होता है, तो एक अलग लेवल पर परफॉर्म करना अलग बात होती है। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, थ्रू आउट ईयर चलती रही है, उसके बाद आके यहाँ पर परफॉर्म करना इज अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग। ऊपर से गोरा क्राउड है, इंग्लैंड का क्राउड होगा, थोड़ा सा वो और थोड़े से इंडिया के अगेंस्ट है, लेकिन स्टिल चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शुभन गिल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, they are the good combination as well. World class team versus world class team होने जा रहा है। आप literally simply किस team को support करोगे? यार I will support for cricket. Cricket? यार basically T20, ODI सब कुछ separate है, लेकिन test cricket is the beauty of cricket. अच्छा मेरा आखिरी question है, इन केस अगर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल जल्दी out हो जाते हैं, क्या उनकी team संभल पाएगी? उनको क्या वो अपनी टीम को संभाल पाएंगे, क्योंकि सारी टीम उन पर डिपेंडेंट है? यार सारी टीम उन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको टेस्ट के अंदर एक प्रॉपर इनिंग बिल्ड करनी पड़ती है, एक आपको टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा आपका टेस्ट होता है टेस्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद इन सबके आउट होने के बाद भी इंडिया थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, लेकिन फॉर द लॉन्ग रन वो उनके बेनिफिट नहीं होगा उनको। अच्छा, अभी पिच की रिपोर्ट में देख रहा था, पिच की रिपोर्ट ये है कि पिच बहुत ही ज़्यादा ग्रीन बनाई गई है, क्योंकि इंडिया के पास इतने खास पेसर नहीं है मोहम्मद शमी के अलावा, पर ऑस्ट्रेलिया के पास सारी 145 प्लस बॉल करने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया फिर कुछ ना कुछ तो करेगी। आई विल से 60-40 अगर ये पिच रिपोर्ट आया, ग्रीन ग्रासी पिच है, उसके बाद पैट कमिंस न्यू बॉल अच्छा स्विंग करते हैं, मिचेल स्टार फास्ट एंड स्विंग सब कुछ है उसके पास, मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ऐसा बैट्समैन है या बॉलर है जो इंडियन टीम को प्रेशर दे सकता है, यार हाँ इंडियन को इससे खतरा है? पैट कमिंस यार जो मर्जी हो जी, इंडिया क्या था तो क्या दिया, जो रन ने क्या था वो क्या था।